किसान संयुक्त मोर्चे के सदर के पूरे भारत में 4 घंटे रेल पहिया जाम रहा। पंजाब के जिला फिरोजपुर में अनेक थावां ते रेल का चक्का जाम किया गया। अलग अलग जथेबंदियों के आगुओं वालों पत्रकारों को जानकारी देंदे दसा गया कि जिला फिरोजपुर के किसान मजदूर बीबिया वालों रेलवे ट्रैक जाम किया गया। यह जाम शाम 4 बजे तक जारी रहा। तिने खेती कानून रद्द किए जा, सारिया फसलों की खरीद की गारंटी वाला कानून बनाया जाए, बिजली सोध बिल 2020 रद्द कराया जाए, प्रदूषण एक्ट रद्द किया जाए, मजदूरों सस्ता अनाज जनतक वंड प्रणाली राही देना जारी रखा जाए, तेल की कीमतों में 50% कटौती की जाए, किसान मजदूरों का कर्जा खत्म किया जाए, केंद्र सरकार के फिरकू फांसीवादी एजेंडे को मात पाई जाए, गिरफ्तार किए गए किसानों को तुरंत रिहा किया जाए। इन्होंने सारिया मंगों को लेकर अज यह प्रदर्शन किया गया। मेरा नाम अमरीक सिंह संधु, जिला प्रधान भारतीय किसान यूनियन लखोवाल। अज का जो चक्का जाम है, जिन्ना चर साढ़े पंजे कानून रद्द नहीं होंगे उन्ना चर असी इस संघर्ष को तेज रखांगे। ये 12 बजे तो लैके 4 बजे तक रहेगा। अगली रणनीति जड़ी है भरम फैला रहे हैं भी नौजवान जड़ी है पीढ़ी वो कस पिछे ने नहीं वो साढ़े ना मोढ़े ना मोढ़ा ला के उन्हें ही संघर्ष को जितना है। वो संघर्ष की जान ते शान ने। करनी सिंह इकाई प्रधान कादियां नूर पसेठा, असी ये जिहड़ा मोदी साहब ते इहदे मंत्री संतरी कहिंदे ना भी कहिंदा पंजाब दा हरियाणे दा ही लड़ाई है, होर दा सूबे लड़ाई नहीं। अज आ जिहड़ा सारा धरना रेल रोकू प्रोग्राम जिहड़ा 4 घंटे आ, ये उन्होंने दसन वास्ते भी ये वेख लो ये सारे हिंदुस्तान के अज रेल रोक गई हैं, ये सारे हिंदुस्तान की लड़ाई है, कल पंजाब या हरियाणा की लड़ाई नहीं गई। ये लड़ाई ये अज का जो प्रोग्राम है उन्होंने दसन वास्ते ही किया भी ये जो कह रहे भी कल पंजाब तो हरियाणा ही तुरे फिरते जी, ये कोई बंदा है नहीं गा, तो अज उन्होंने पता लग जूगा भी ये सारे हिंदुस्तान की लड़ाई है, ये वर्ल्ड की लड़ाई बन जानी है, वर्ल्ड की लड़ाई बना के हटा के फिर बुद्ध जिन्हें जोर लगता ला ले साढ़ा शिकार 6 बजे। ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲਖੋਵਾਲ ਤਲਵੰਡੀ ਭਾਈ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲਵਾਂ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਕੈਥਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਇਹ ਇੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੇਖਣ ਆਏ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਸਿਦਕ ਵਾਲੇ ਯੋਧੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੀਏ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਯੰਗ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਗਭਗ 1990 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਊਗਾ। 1966-67 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਿਆ, ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਉਹ ਧਰਤੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਮਿੱਟੀ ਉਹ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਛੋਟਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੇਖਣ ਆਏ ਮਿੱਟੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਆਪਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਹਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 101% ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਮਜਬੂਰੀ ਵਸ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਿਖਰਾਂ 'ਤੇ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਮਤਲਬ ਦਬਾਅ ਦੇ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਜ 18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਘੰਟੇ ਦਾ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਖੋਵਾਲ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ 100-150 ਬੰਦੇ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਬੰਦੇ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਗਾਤਾਰ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਦਮ ਲਵਾਂਗੇ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਨਜੀਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਰਿਆਣਾ ਕੈਥਲ 'ਚ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੈਥਲ ਜੀ। आज का जो हमारी 40-41 जो जत्थेबंदियां हैं उनकी कॉल आई है कि आज 4 घंटे के लिए हमने रेल जो ट्रैक है वो रोकने हैं, और हम यहां पर बैठे भी हैं, बहुत भारी संख्या में यहां पर किसान गांव-गांव से और गांव से क्या शहर से भी बहुत सारे किसान यहां पर पहुंच चुके हैं और अपना पूरा योगदान दे रहे हैं। बिल्कुल होएंगे जी, बिल्कुल होएंगे, अभी तो इस सरकार का चेहरा हर किसी के सामने आ चुका है। विदेशों तक से जो जितने भी मतलब बाहर के जितने जीव जो पर्यावरण वाले जितने भी अपने जो सहायक हैं सभी हमारा साथ दे रहे हैं, विदेशों तक इसकी आवाज़ गूंज चुकी है, जन आंदोलन जो बन चुका है, और
कानून तो देखो वापस करवा के जाने हैं, कर कानून तो वापस करवा के जाएंगे। बच्चा बच्चा जागरूक है, बच्चे से लेके बुजुर्ग से लेके हर कोई किसी को इस कानून के बारे में पता चल गया और इस सरकार को झुका के जाने हैं।